पहला स्टेप है हमारा जो मैं जाऊंगा, और यहाँ से आगे एकदम ये चट्टान पे जाना है। देख सकते हैं किस प्रकार की चट्टान है, और इसके नीचे हमको शिलाजीत निकालना है। यहाँ से नीचे एकदम गदेरा दिख रहा है, तो मैं फोन रखता हूँ, यहाँ से पार जाना पड़ेगा जागाई। और कुछ यहाँ नीचे भी है, दिख नहीं रहा है, तो अभी बताता हूँ। मैं यहाँ से आया, ये लोग रॉप फिट करते हुए, तो ये रॉप फिट हो रहा है। यहाँ से नीचे जाना है हमको, तो ये रॉप डल चुका है। और हमारे बादल भाई एकदम सही से, भाई बादल भाई आ रहे हैं। हाँ ये तो पेट पकड़ा, पेट है, ये तो पेट पकड़ा, ये तो है बोले ये फुटता रहता हो तो दिनेश तो आए बोलता ना, ना, ना। तो ये थोड़ा इनको टफ हो रहा है। और चट्टान की बात करूँ तो कुछ ऐसा है, तो ये रॉप गेटर्स हैं। और क्योंकि रॉप पे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा पकड़ रहे हैं तो हाथ जलते हैं एकदम, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो दिनेश ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं फिर, अभी जो चल रहा है काफ़ी ख़तरनाक मिशन, ये देखें। दिनेश कैसा है माल? एकदम बेस्ट, ठीक है ना? तो लोग अक्सर जो शिलाजीत मार्केट में बिकता है वो गुड़ वगैरह जो मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन ये पहाड़ों से रिसता है और काफ़ी वो रहता है, शुद्ध रहता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की चट्टान है, और चट्टानों में से ये निकलता है। और ये चट्टान है ऊपर, हमने यहाँ से रॉब फंसाया हुआ है, और ये चट्टानों से निकलता हुआ शिलाजीत। भाई लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से नीचे एकदम पहाड़। के हम नीचे आ चुके हैं, और ये रॉप है, और शिलाजीत देख सकते हैं आप कितना निकला हुआ है यहाँ से। ये पूरा शिलाजीत है, प्योर शिलाजीत जिसे कहते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा इधर भी निकला हुआ है, यहाँ भी दिख रही है ब्लैक ब्लैक पूरा, इसको भी निकालना है पूरा। तो ये प्योर शिलाजीत है एकदम, जिसे प्योरिटी कहते हैं, फोकस नहीं हो रहा, एकदम प्योर शिलाजीत जिसे कहते हैं, 100% क्वालिटी है इसकी। और दिखाता हूँ कैसे है एकदम, ये देखें बहुत सारा शिलाजीत यहाँ। और ये हमारे क्लाइमर, मुसाफिर क्लाइमर जो काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए, और ऊपर बादल भाई भी हैं। मैं काफ़ी मशक्क़त ड्रॉप से नीचे आया हूँ, और दिखाता हूँ आपको कैसे सिचुएशन होती है। ये देखें वो फिर से वापस लेंगे, और यहाँ से निकालेंगे अभी। तो फाइनली आज का मिशन हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट लगभग, केवल अब पैकअप करने का है। काफ़ी मुश्किलें रही है और डर भी था, पहले हमारा एक मिशन फेल रहा, फिर ये दूसरा मिशन था, तो इसके अनसक्सेसफुल हुआ। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसको शिलाजीत कैसे बनाते हैं, प्रक्रिया क्या होती है शिलाजीत की,
और इसको निकाल के एकदम खाया जाता है या नहीं खाया जाता है वो रहेगा। और फिलहाल दिखाते हैं, अभी हमारा पूरा पैकअप नहीं हुआ है। ये देखें रॉब अभी भी नीचे लटक रहा है, तो अभी सामान पैक करेंगे उसके बाद यहाँ से ऊपर क्लाइम करेंगे। और ये अभी भी सिलाजीत दिख रहा है हर कहीं पहाड़ों पे। ये देखें ये पूरा सिलाजीत है ये वाला। तो थैंक यू गाइस, बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आज का पूरा सपोर्ट रहा बादल भाई और दिनेश जो क्लाइमर हैं। तो ये रॉब अब यहाँ से ऊपर क्लाइम करना होगा। तो सिलाजीत निकालने के बाद ये दूसरी वीडियो है, और जिसे हम बताएंगे कि सिलाजीत को हम कैसे बनाते हैं। ये नेचुरल होता है एकदम लोगों की तरह, इस प्रकार का नहीं कि मतलब गुड़ या उस टाइप के कुछ भी बना के, एकदम पहाड़ी सिलाजीत है। तो इसको मेल्ट किया जाता है पहले, जब पहाड़ से निकालते हैं तो उसको हल्का सा पानी मिलाया जाता है, एकदम वैसे ही मेल्ट नहीं होता है। तो हल्का सा पानी मिला के इसका कलर देख सकते हैं आप, एकदम ब्लैक कलर है, एकदम कढ़ाई जैसे दिख रहा है। और ये देख सकते हैं वाइट कपड़ा रखा है। तो इसको पृथक्करण विधि जो बोलते हैं हम इससे निकालेंगे। इसमें बहुत सारा थोड़ा सा मिट्टी भी होती है, पृथक्करण विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो देख सकते हैं एकदम कपड़े का रंग कैसे हो जाएगा। तो ये एकदम देख सकते हैं, तो ये पृथक्करण विधि द्वारा इसके नीचे जो पानी चला जाए, इसको दो तीन बार नहीं बार बार किया जाता है, और काफ़ी बार किया जाता है तब जाके ये अलग होता है। तो अभी देख सकते हैं ये हल्की सी जो मिट्टी रह रही होगी तो ये इस पर अटक जाता है। तो इसको बार बार धोना पड़ता है कपड़े को, और फिर सिलाजीत को बनता है। फिर इसको जब प्योर मिट्टी एकदम अलग हो जाएगी तो उसके बाद फिर उबालना पड़ता है, और ये हल्का गाढ़ा हो जाता है। लोग जो गुड़ टाइप का जो सिलाजीत होता है वो उतना बन नहीं पाता है, बहुत उबालना पड़ता है। तो ये पानी पानी सा रहता है अक्सर, जो प्योर सिलाजीत होता है ये वाला। तो देख सकते हैं ये हम आज लाए थे और उसके बाद इसे बना रहे हैं।